करते हैं अपना चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इसमें आज हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। और नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स में हम इमाइन फॉर्मेशन, इनामीन फॉर्मेशन एंड वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही इन सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी अमीन्स का। जब आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अमीन्स के साथ, तो आपको ये इमाइन देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है और ये मिथाइल अमीन है। आपको जस्ट ये वाटर निकालना है, दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, माइनस वाटर करना है और रिमेनिंग पार्ट को जोड़ देना है। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? NCH3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड NCH3। इसे शिफ्ट बेस भी कहते हैं, इस प्रोडक्ट को शिफ्ट बेस भी कहते हैं। इसकी सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो ह्यूगो शिफ्ट ने की थी, तो उसी के नाम से इस रिएक्शन का नाम पड़ा शिफ्ट रिएक्शन, और इसके प्रोडक्ट को कहते हैं शिफ्ट बेस। तो ये है कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमाइन प्रोडक्ट। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, उसके बाद आपके तीन स्टेप आते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर के, देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, एंड फाइनली आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट विच इज इमाइन। तो अब हम इस कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें जो आपका प्राइमरी अमीन होता है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, और आपको ये इंटरमीडिएट मिलता है। अब जो ये इंटरमीडिएट मिला है, ये प्रोटॉन को विथड्रॉ करेगा फ्रॉम द एसिड, और प्रोटॉन विथड्रॉ होने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और पीछे आपका रह जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस जो कि ये है। अब ये कॉन्जुगेटेड बेस अगेन डीप्रोटोनेशन करेगा यहाँ से, और आपको कार्बिनोलामाइन एक इंटरमीडिएट मिलेगा, और आपको कार्बिनोलामाइन मिल जाएगा, कार्बिनोलामाइन इंटरमीडिएट मिल जाएगा। तो आपके जो फर्स्ट थ्री स्टेप देखें, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, प्रोटॉन ट्रांसफर एंड प्रोटॉन ट्रांसफर, ये सेम है जो हमने एसिटल फॉर्मेशन में पढ़े थे, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहले आ गया है और प्रोटॉन ट्रांसफर बाद में, जबकि एसिटल फॉर्मेशन में ये ऑर्डर डिफरेंट था। तो ऐसा क्यों है? तो आप इसमें प्राइमरी अमीन यूज़ कर रहे हो जो कि एक बेस की तरह काम करता है, और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक है। तो ये जो बेस है इस एसिड के प्रोटॉन के साथ वेरी फास्ट रिएक्ट करता है और आपको अमोनियम आयन देता है। तो अब ये जो स्पीशीज है, एक्चुअली ये स्पीशीज वर्क करती है एज ए एसिड इन दिस रिएक्शन, नॉट HCl। अगेन ओनली दिस स्पीशीज एक्ट एज ए एसिड इन द इमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो एक्चुअल एसिड है वो ये है अमोनियम आयन। तो अब हम कार्बिनोलामाइन पे आते हैं वापस। कार्बिनोलामाइन में जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा, आपको H2O प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट करेगा, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और जब ये लीव करता है तो आपके पास पीछे ये स्पीशीज रह जाती है, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट हुआ हाइड्रोजन निकलने के बाद, ये कॉन्जुगेटेड बेस इस हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा, और पीछे आपको इमाइन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब आप इसके ऊपर अपना स्किल ट्राई कीजिए इमाइन फॉर्मेशन का। आपको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनॉन, और ट्रीट करना है इसको इथाइल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी? तो आपको सबसे पहले इथाइल अमीन को रिएक्ट करवाना है कार्बोनिल कार्बन के साथ, आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देन होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, जो आपका ऑक्सीजन है ये जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन विथड्रॉ करेगा, तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगी ये स्पीशीज। देन आपको कार्बिनोलामाइन बनाना है, मतलब यहाँ पे अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस है वो हाइड्रोजन निकालेगा यहाँ से, और आपको कार्बिनोलामाइन प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद फिर से एक और प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप आता है, जिसमें आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके अमोनियम आयन से प्रोटॉन निकालेगा, तो H2O+ दे देगा यहाँ पे। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाता है,
और ये लोन पेयर नाइट्रोजन का यहाँ पे आ जाता है। तो अगेन फाइनल स्टेप जो होता है प्रोटॉन ट्रांसफर का होता है, तो आपका जो बेस है वो हाइड्रोजन निकालेगा यहाँ से और आपको इमाइन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है जब हम प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको इमाइन मिलता है, अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको ऑक्साइम प्रोडक्ट मिलेगा। बस आपको यहाँ से टू हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकालना है एज ए वाटर और रिमेनिंग पार्ट को आपको यहाँ पे जोड़ देना है, तो आपको ऑक्साइम मिलेगा। और ये NH2 होता है हाइड्राजीन, जब आप हाइड्राजीन के साथ इस कार्बोनिल को ट्रीट करोगे तो आपको हाइड्राजोन प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी अमीन कैसे रिएक्ट करते हैं। जब सेकेंडरी अमीन आपके कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको इनामाइन प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इसमें इन पार्ट है, इन मतलब डबल बॉन्ड एंड अमाइन पार्ट हो गया ये आपका। तो सेकेंडरी अमीन जब कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको इनामाइन मिलते हैं। ओके, तो अब ये पढ़ते हैं कैसे मिलते हैं, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है ये। इसमें सेम स्टेप फॉलो हो रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, प्रोटॉन ट्रांसफर, देन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एंड फाइनली अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन की बात करें, एक में जिसमें प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर रहा है और सेकंड जिसमें सेकेंडरी अमीन रिएक्ट कर रहा है, आपके यहाँ तक दोनों का स्टेप बिल्कुल सेम है, डिफरेंस आता है लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में जब आपका प्राइमरी अमीन से ट्रीट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन वो टेक आउट करता है जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो आपको इमाइन मिलता है। लेकिन जब आप सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे होते हो तो नाइट्रोजन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो आपका जो हाइड्रोजन निकलता है वो साथ वाले कार्बन से, मतलब अल्फा कार्बन से निकलता है, तो इसलिए आपको इनामाइन प्रोडक्ट मिलता है। अब आप ट्राई करिए कि कैसे आपको इनामाइन प्रोडक्ट मिलेगा इस साइक्लोहेक्सेनोन को जब आप सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे जाएगा, तो पहला स्टेप आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आपको सेकेंडरी अमीन को इस कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करवाना है तो आपको ये स्पीशीज मिल जाएगी। सेकेंड स्टेप आता है प्रोटॉन ट्रांसफर, आपका ऑक्सीजन ये प्रोटॉन विड्रॉ करेगा तो आपको ये स्पीशीज मिलेगी। थर्ड अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर, अब जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट होगा वो यहाँ से प्रोटॉन विड्रॉ करेगा तो आपको कार्बिनोलामीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्राइमरी अमीन के साथ जब ट्रीट करते हो तब भी कार्बिनोलामीन मिलता है, सेकेंडरी अमीन के साथ ट्रीट करते हो तब भी आपको कार्बिनोलामीन मिलता है। अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्रोटॉन ट्रांसफर का, आपका ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपके एसिड से प्रोटॉन निकालेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल जो एसिड होता है वो अमोनियम आयन होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन विड्रॉ किया तो आपको H2O प्लस स्पीशीज मिली। अब ये H2O प्लस का माइनस वाटर हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं यहाँ पे एज ए डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब हम प्राइमरी अमीन के साथ हम पढ़ रहे थे तो आपका जो बेस है वो हाइड्रोजन निकाल रहा था नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन प्रेजेंट था वहाँ से, लेकिन अब इस केस में यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो साथ वाले कार्बन से जो कि अल्फा कार्बन है वहाँ से प्रोटॉन विड्रॉ करेगा तो आपको इनामीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फाइनली अब हम पढ़ते हैं वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो आपको पता है कि हाइड्राजोन कैसे बनता है, आपको कोई भी कीटोन लेना है उसको हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करना है तो आपको हाइड्राजोन मिल जाता है। लेकिन जब आप इस हाइड्राजोन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से ट्रीट करते हो, मतलब हीट करते हो यहाँ पे, तो आपका ये जो डबल बॉन्ड NH2 है ये रिड्यूस हो जाता है, ये CH2 बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको साइक्लोहेक्सेनोन को अगर ट्रीट करना है हाइड्राजीन के साथ तो पहले आपको हाइड्राजोन प्रोडक्ट मिलेगा, जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर से ट्रीट करोगे तो ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा और ये पार्ट निकल जाता है एज ए नाइट्रोजन गैस। तो आप साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा वुल्फ-किशनर रिडक्शन का। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो आपका जो बेस है वो बेस हाइड्रोजन टेकआउट करेगा फ्रॉम हाइड्राजोन, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये यहाँ पे मूव करेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट।
अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो आपका वाटर है वहाँ से अगेन प्रोटॉन विड्रॉ करेगा और आपको ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगेन होता है इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र का, आपका जो फिर ये स्पीशीज दोबारा जनरेट होगी और ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है हाइड्राजोन वाले पार्ट के ऊपर उसको भी निकाल लेगा और आपको यहाँ पे ये स्पीशीज देगा जो अल्टीमेटली एज ए नाइट्रोजन गैस की तरह आउट हो जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है फिर से आपका प्रोटॉन निकाल लेगा वाटर में से, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किशनर रिडक्शन का। तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर और आपको नाइट्रोजन ऐसे लिविंग ग्रुप दिखाना है, देन अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग अटैक ऑफ अमाइंस, जिसमें हमने प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के बारे में पढ़ा, ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें आपको इमाइन इनामीन्स प्रोडक्ट मिलते हैं, और साथ ही हमने वुल्फ-किशनर रिडक्शन पढ़ी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।